नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं इसलिए कि यहाँ SD महिला कॉलेज रोड, जो कि हांसी की पॉश रोड कहलाती है, जो आज गंदगी का आलम बन चुकी है। मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई चश्मा नहीं है पहाड़ों का, ये कोई बारिश का मौसम नहीं है कि ये बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। यहाँ सीवेज व्यवस्था की बद खाली है। ये SD महिला कॉलेज रोड है, यहाँ सामने बिल्कुल साफ लगता हुआ SD महिला कॉलेज है और यहाँ गारमेंट की मार्केट है, यहाँ बड़े बड़े शोरूम है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं यहाँ के कि आम आदमी इस रोड से निकल नहीं सकता। बादल जरा थम के बरस, इतनी बारिश तो मेरी आंखों में हर रोज हुआ करती है। ना ये बादल है ना ये बारिश है, ये पब्लिक हेल्थ का एक जनाजा है। मैं जो दिखा रहा हूँ कितनी बदहाल व्यवस्था है, ये देखिएगा। यहाँ से कोई भी वाहन चालक आता है तो पानी इस कदर बहता रहता है, और ये देखिएगा कि ये सीवर है, ओवर फ्लो होके यहाँ जाता है। थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो यहाँ विधायक महोदय का आवास को सड़क जाती है, लेकिन बरसों से मैं बार बार मैं इस रोड के दृश्य आपको दिखाता रहता हूँ। बारिश में तो ये दरिया हो जाती है, बिना बारिश दो बूंद होती है तो यहाँ नदियाँ बहने लगती हैं, और अब सीवर व्यवस्था की बदहाली से ये चश्मा बन गया है पानी का। यहाँ गंदा पानी जमा होता है, महामारी फैलती है। यहाँ लीखा हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ उससे आगे संजीवनी हॉस्पिटल है। यहाँ गारमेंट्स की दुकानें हैं, जहाँ ग्राहक आते हैं, लड़कियाँ आती हैं कॉलेज में पढ़ने वाली, इस गंदे पानी में से होती ही जाती है। कौन होगा इसके जिम्मेवार? क्या पब्लिक हेल्थ को बार बार इसके लिए प्रदर्शन की जरूरत है? क्या अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ के दुकानदारों में बहुत रोष है, उनका कहना है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुका है, हम नहीं बिल्कुल यानी कि यहाँ काम कर सकते, ग्राहक हमारे आने बंद हो गए हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? बार बार यानी कि यहाँ मशीनें आती हैं, अपना औपचारिकता पूरी करके चली जाती हैं। ऐसे में यहाँ SD महिला कॉलेज एसोसिएशन मार्केट के प्रधान मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आपके प्रधान जी क्या करती हैं साहब। ऐसा है बंसल जी, हेलो, प्रशासन को कई बार कहा जा चुका है इसके बारे में कि यहाँ बड़ा बुरा हाल है, सीवर लाइन बिल्कुल डेड हो चुकी है, पानी बरसाती पानी की लाइन नहीं है, जो सीवर लाइन है बिल्कुल छोटी और डेड हो चुकी है। ना ही तो प्रशासन यहाँ सफाई करवाता है और ना ही प्रशासन सुध रहता आगे। यहाँ आज ये लगा लो एक हफ्ता लगभग हो गया, एक हफ्ते पानी भरा पड़ा मार्केट के अंदर, हमने पब्लिक हेल्थ में भी किया नहीं, और यहाँ जो ठेकेदार है उसको क्या, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ ये लगा लो महिला कॉलेज भी है और दो हॉस्पिटल हैं और स्कूल भी है, तीन चार काफी, ये लगा लो मेन बिजी रोड है, ये हमारे शहर का मेन बिजी रोड है, पॉश रोड है, बिजी रोड। हाँ, लेकिन ये लगा लो कोई सुनवाई नहीं है, इस रोड की बड़ा बुरा हाल है और मैं तो यही कहूंगा बार बार फिर, और ऊपर से कॉलेज प्रशासन जो है हमारे ऊपर अलग से मतलब परेशान कर रहे हैं हमें, कभी किराया बढ़ाने के नाम से, कभी मतलब ये लगा लो दुकानों के ट्रांसफर फीस के नाम से। हम कहते हैं आप यहाँ के सुन तो लो एक बार कॉलेज वालों, भाई हमारा रात कैसे, हमारे दुकानदार भाई खाली बैठे रहते हैं इस पानी के चक्कर में। यानी कि कॉलेज के फोन मिला ले, SDM पूरे शहर का प्रशासक होता है, और ये क्या SDM ने कभी यहाँ आया? भाई साहब तो रहे फोन मिला ले, मार्केट का क्या हाल है, यहाँ कॉलेज में बल्ले बाल लड़कियाँ कहाँ से गुजर? SDM सुन लेता जी, SDM का तो काम यही है कि इनको डंडा चलाओ, परेशान करना काम। SDM का जो पहले SDM थे, नाम उनका बिल्कुल सर रावत था, शायद नाम सर रावत थे, उन्होंने परेशान नहीं किया, कुछ नहीं दिया, वो किराया बढ़ाने की ओर ध्यान देने लग रहे हैं, ये जाने देते कि हालात क्या है मार्केट के, भाई मार्केट में सुधार भी करवाए थोड़ा। इस संदर्भ में कभी विधायक महोदय से मिले आप? विधायक महोदय से भी हमने कहा इसके बारे में, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया हमें कि जल्दी ही यहाँ बड़ी लैंड डलवा दी जाएगी निकासी के लिए, अब देखते कब होता है ये, यानी कि जल्दी जल्दी करके, यानी कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो कितनी बार आप यानी कि अधिकारियों से, विधायक महोदय से या प्रशासनिक अधिकारियों से मिले? बड़ा बुरा हाल है जी, कोई सुनवाई नहीं है, दुकानदार भाई बेचारे खाली बैठे हैं इस पानी के चक्कर में।
बताइए आप यहीं के रहने वाले गाने को बोलेंगे, यहाँ कारोबारी कारोबार करते हैं, जैसा कि प्रधान जी ने बताया है आम जन भी परेशान होता है, अभी सात लाख की कॉलोनी है, गांधी कॉलोनी है, और जो भी बाहर से मुसाफिर आता है उसको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हमारी मदाएँ बहनाएँ जब सब्जी मंडी जाती है खासकर, क्योंकि हमारी रोज की सुविधा चाहिए होती है, हमें सब्जी घर में हर किसी को चाहिए होती है, तो वो बहुत ही तकलीफ पाते हैं तो आने जाने में। और हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तकलीफ का निवारण हो, और बाकी सभी भाई जैसे ही लगे हुए बताइए आपको बताओ आप जैसे देख रहे हैं जो हालात हैं, तो पब्लिक जैसे भी है गुजर तो रही है, मगर बेचा भी गुजर रही जैसे कुछ भी है देख रहे हैं आप। आप यहाँ गारमेंट की दुकान चलाते हैं? नहीं, जूस की दुकान। जूस की दुकान, तो जूस की दुकान में जब ये गंदा पानी आता है तो क्या जूस? बहुत परेशानी हो रही है, आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है कितना बुरा हाल है। आने जाने वाले वो बहुत दिक्कत है, कल से बिल्कुल खाली बैठे हैं, पानी में से निकलना बहुत मुश्किल है। कहाँ रहते हो? दुकान में रहता हूँ। दुकान के सामने क्या है आप? पानी। कौन सी मार्केट है? जब दुकान में आते हो तो आप क्या पानी में से ही होके आते हो? कौन से पानी में होते हो? गंदे पानी में? नितिन जी इसने हाँ बताइए, ये गांधी मार्केट में आप, ये ऐसी महिला कॉलेज मार्केट में आप? बहुत बुरा हाल है जी, एक हफ्ता हो गया जी, ग्राहक तो आना ही बंद हो गया है जी। पानी की इतनी मुसीबत है कि इस तरफ से परली तरफ जाना हो तो गंदे पानी में से निकल के जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी। यहाँ बजरंग आश्रम है जहाँ, यानी कि आप बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र शर्मा जी। हाँ शर्मा जी बताइए, आप तो कैमरा भी है वो हाथ में मोबाइल के लिए। ऐसे है जी, दिक्कत सबको है, आने जाने में दिक्कत है, कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, इतना गंद फैला हुआ है जी। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और हमारे जो आने जाने वाले कस्टमर हैं वो आए और परचेजिंग के लिए तैयार रहे, और हमें मौका दें। अगर ये हमारे साथ लग के हमारे को भी कुछ कहेंगे तो हम भी उनके साथ लगेंगे, हम अपनी कार्रवाई और उनकी कार्रवाई साथ रहेंगे। ये देखिए जो दिखा रहा हूँ मैं, ये गंदा पानी है, ये पानी कोई बारिश का पानी नहीं है, ये पानी कोई यानी कि दो बूंद का पानी नहीं है, ये है सीवर ओवरफ्लो का पानी, सीवर चौक हो चुके हैं। यदा कदा मैं दूर जूम करवा के दिखा रहा हूँ कि यदा कदा कभी वो मशीन आती है, औपचारिकताएं पूरी करके चली जाती है, उसके अंदर ड्रेन करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी अगले दिन फिर यहाँ खड़ा होता है। यहाँ कोई मास्टर प्लान नहीं है, क्या कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बरसों से बार बार हम इस बात का संज्ञान लेते आ रहे हैं कि यह मास्टर प्लान के तहत उन्हें पाइप लगाने चाहिए, इस रोड का सुधार होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी वाहन, ये महिलाएं अपना छोटा बच्चा लेकर ये भी गंदे पानी से गुजर रही है, और इस न जाने कब इस रोड का सुधार होगा। सबसे पोस्ट मार्केट है ये, एसटी महिला कॉलेज एसोसिएशन की ये मार्केट है, रोड है ये, जहाँ कॉलेज है, दो हॉस्पिटल है, दो दो तीन तीन धर्मशालाएं हैं, बजरंग आश्रम है, वहाँ यानी कि लोगों को दुख सुख के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ता, लेकिन इस गंदे पानी से क्या यही हाल होगा? क्या यही बदहाली में ये दुकानदार जिएंगे? ये बार बार इनके चेहरे का आक्रोश आपको नजर आ रहा है, क्या पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के कर्मचारियों पर कभी क्यों रहेंगे जी? मात्र औपचारिकताएं करके आश्वासन दे के चले जाते हैं, और ये दुकानदार यानी कि देखिएगा ये बैठे हैं, हमने कहा कि इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कौन आएगा इनके घर ग्राहक इस गंदे पानी से होकर? आप देख रहे हैं कि वाहन ऐसे जा रहे हैं या लड़कियां ऐसे जा रही हैं, ये देखिए गंदे पानी में होकर आ रहा है, ये क्यों कितना गंदा पानी, ये पानी सीवर का है और कोई चारा नहीं है, नालियां ब्लॉक पड़ी है चारों तरफ, और इतना यानी कि समस्या वाजिब है, बार बार ये समस्या कहते हैं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वृद्ध महिलाएं कैसे यानी कि पानी से डर के कहीं दुकान की फड़ के ऊपर से गुजर रही है, तो ये हाल रहा तो कितना नरकीय जीवन है दुकानदारों का, लाखों रुपए की
करोड़ों रुपए की दुकान बनाकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रशासन चिर निंद्रा में सोया हुआ है। खासकर पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, आप खत करके निकल जाते हैं। विधायक महोदय का जो दूसरी बार बने हैं, उनका आवास भी यहाँ से है, उनका भी आना जाना यहाँ से लगा रहता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि हर शख्स यहाँ से गुजरता है, हर वीआईपी यहाँ से गुजरता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के प्रशासन की यानी आंख बंद है। कब सुधार होगा इसका, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं और ये किस कदर गंदगी से आलम में लगे हुए हैं। अंत में इतना ही है कि पब्लिक हेल्थ विभाग जागे और इस वर्षों से चली आ रही नासूर बन गई समस्या का समाधान करे। वो समस्या का जहाँ कॉलेज है, धर्मशालाएं हैं और हॉस्पिटल है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? और इसका आक्रोश वाजिब है। राशनी दुकानदारों का कहना है कि अगर प्रशासन नहीं जागा तो फिर से हमें सैकड़ों बार प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर से हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तो मैं राजीव बंसल, मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी के साथ, तो हमारा दायित्व ये है कि आप लोगों की समस्या उठाना और इनका समाधान करवाना, अधिकारियों का जगाना, उनको सचेत करना। कब तक अधिकारी सचेत होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं राजीव बंसल आपसे मिलना चाहता हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर महिलाओं को बैठ कर। तो इसी तरह पानी देखते हैं हर सीजन में है? यहीं से पानी से गुजरना पड़ता है, गंदे पानी से। कितना बुरा हाल है आपने यहाँ बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। तो किसको बोलते हो आप, यानी कि उसे बोलते हो कि भी आपकी समस्या का समाधान करवाए? कितने सालों से देख रही हैं ये? शादी हुई है तो आपसे ऐसा ही हाल है। 22 साल हो गए शादी को, आप 21 साल हो गए, बराबर देखते आ रही है। ये महिलाएं भी बेचारी भी बेबस है और इनको गंदगी से गुजरना पड़ता है। फिर मैं दिखा रहा हूँ ये गंदगी का आलम, यहाँ से बाहर गुजरते हैं, मात्र औपचारिकता करके शुरू करते हैं अपने कर्तव्य की। लेकिन समस्या है जो की दो बजी है, देखते हैं कि प्रशासन पे भी एक मिनट बात सुनिएगा। तो आप यहाँ गांधी कॉलोनी में रहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं रहती। नहीं रहती, कॉलेज जाती हैं यहाँ? नहीं। तो ये गंदा पानी कितने दिन से देख रही है? हम तो अब ही आए, हमें नहीं पता है। ये कैसा पानी है आप खुद ही देख सकते हैं कितना गंदा है, शायद सीवर का ही पानी होगा। सीवर का ही पानी। आप क्या ऊपर से गुजर रही हैं, अंदर से जाएंगे ना ये सड़क? आप कह सकते हैं तो मैं तो गंदगी में ही रह रहा हूँ, आप लोगों को गंदगी में। आप आइएगा आवाज क्या आई ना गाड़ी जाते हैं, फिर मिलते हैं एक नई समस्या के साथ। हम बार बार फिर इस समस्या को दिखाऊंगा और प्रशासन को चेताएंगे, हमारा काम है, हमारा दायित्व। नमस्कार दोस्तों।